नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम व्रत के लिए साबूदाना की नमकीन बनाएंगे और दो तरह से बनाएंगे हम इसको। बहुत आसानी से बन जाती है और आप पूरे 9 दिन व्रत में इसे बना के रख के खा सकते हैं। तो आइए बनाते हैं इसे। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये 2 छोटी कटोरी में, एक में तो बड़ा साबूदाना और एक में छोटा साबूदाना लिया है, थोड़े से बादाम लिए हैं और थोड़ी सी मूँगफली ली है। तो इन्हीं से हम दो तरह से नमकीन बनाएंगे। तो आप एक कढ़ाई में देखिए थोड़ा तेल गरम कर लें। तो पहले तेल ज़्यादा गरम हो, उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इस तरह से इसमें साबूदाना डालेंगे और इसे हम लगातार चलाएंगे। पहले एक बार इसे फूलने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ये फटाफट सारे साबूदाने फूलते जाएंगे। तो देखिए 5 से 7 मिनट में इस तरह से ये फूलने लग जाएंगे। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते रहें और ध्यान रखें साबूदाना बिल्कुल सूखा होना चाहिए पहले। और उसी के बीच में तेल में हम देखिए बादाम डाल देंगे, ये इसी में रोस्ट हो जाएगी, अलग से हमें भूनना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से मिलाते हुए देखिए ये सारे साबूदाने फूल गए हैं, बादाम भी कुक हो गई है, तो इन्हें अब हम निकाल लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से ये नमकीन बन गई है। बस साबूदाने को आप अच्छे से पहले सुखा लें। तो इस तरह से हम ये सारी नमकीन निकाल लेंगे, इसमें मसाले हम बाद में मिलाएंगे। देखिए उसी बचे हुए तेल या घी में आप छोटे वाले साबूदाना डालिए। तो पहले आप फ्लेम तेज रखें, बाद में मीडियम कर दें और उसे भी लगातार आप चलाते रहें। तो 7-8 मिनट में ये भी कुक हो जाएगी। देखिए फूल गए हैं इसके भी दाने। और वही बीच में हम फिर से ऑयल के अंदर मूंगफली डालेंगे और इन्हें फिर से भून लेंगे। तो दोनों साथ में ही भुन जाएंगे। तो देखिए कितने अच्छे से ये भुन गए हैं, बिल्कुल क्रिस्प और करारी बनी है। इन्हें भी हम निकाल लेंगे। तो बहुत कम तेल में नमकीन बनके तैयार हो गई है। देखिए अब सेंधा नमक डालेंगे दोनों में हम और थोड़ी सी काली मिर्च। आप चाहें तो यहाँ पर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। तो लीजिए नमकीन हमारी तैयार है इतनी जल्दी।